kids on your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा school. चलो अब देखते हैं एक नई पहेलियाँ, National Symbols. 8 आसान पहेलियाँ है, आपको कुछ questions पूछे जाएंगे जो हमारे national, हमारे राष्ट्र के संबंध में रहेंगे, तो आपको बताना है उन questions का answer. तो चलो देखते हैं भाई. Yes. तो पहले आप हमारी e-learning website smartschool.infolips.com, sports site fallingsports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठीरंग.com, Android education again, craft channel और other sites. इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके चेक करना. करते हैं हमारे गुड़ी को शुरुआत. क्या है हमारे नेशनल सिंबल्स? तो यहाँ पे फर्स्ट पहली है भाभी आपके लिए, द मोटो डैश इंस्क्राइब बिलो द नेशनल एम्ब्लेम, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे कौन सा मोटो लिखा जाता है, कौन सा वाक्य लिखा जाता है? क्या पता है आपको भाभी, कभी देखा है नेशनल एम्ब्लेम कैसे रहता है? चलो आपके लिए दिए जाते हैं 5 seconds, तब तक आप इसका आंसर ढूंढ के रखना, ठीक है? आपका टाइम शुरू होता है अभी. 5, 4, 3, 2, 1, 0. जीरो. शायद आपको ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन इसका आंसर है सत्यमेव जयते. ये है हमारा नेशनल एम्ब्लेम, ये 4 शेरों का जो चित्र है वो, और इसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, मतलब सच हमेशा जीतता है, सच्चाई हमेशा जीतती है, तो ये लिखा रहता है. ठीक है, ओके, समझ में आया आज की क्विज क्या है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ये है आपके लिए, अब नेशनल एंथम जन गण मन कंपोज बाय डैश, बताओ हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय एंथम है, नेशनल एंथम है, वो किसने लिखा है? जन गण मन, आपको दिए जाते हैं 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ओके, तो क्या पता है आपको कौन है ये? ये है रविंद्रनाथ टैगोर, यह उनका चित्र, ये बंगाल से है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी कहानियां, बहुत ही अच्छी पोएम्स लिखे हुई है. इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह पता है ना आपको कौन सा है भाभी? गीतांजलि, तो ये लिखा हुआ है इन्होंने. ठीक है, तो ये हमारे नेशनल एंथम कंपोज करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. नेशनल सॉन्ग, ये हमारा राष्ट्रीय गीत, वो था राष्ट्रीय गान, तो आपको बताना है ये जो राष्ट्रीय गीत है जो कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने जो लिखा है वो क्या है, पता है आपको भाभी? बता. वंदे मातरम. करेक्ट, ये है वंदे मातरम, पता है ना, वंदे मातरम. स्कूल छुटता है तभी हम ये गाते हैं, पता है, कोई भी कार्यक्रम का जब समारोह करना रहता है तभी ये वाला गीत गाते हैं, और जब किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन करना रहता है तब हम जनगण मन गाते हैं. ठीक है, तो ये है वो पोए जिन्होंने ये लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम. शायद अभी तक आपने इनका फोटो नहीं देखा रहेगा, है ना? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. आपके लिए है प्रश्न, आपसे आसान हो गए. डैश इज आवर नेशनल गेम, शायद आपको पता रहेगा क्या है, तो भी आपके लिए दे जाते हैं 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ओके, आपने पहचाना है, करेक्ट, इट इज हॉकी, और ये है हमारी हॉकी टीम इंडिया की. ओके, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. और क्वेश्चन है आपके लिए, डैश इज आवर नेशनल एनिमल, क्या पता है हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? शायद आपको पता रहेगा, करेक्ट, फिर भी आपके लिए दे जाते 5 seconds. भाभी, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ओके, भाभी पता है आपको क्या है इसका आंसर? टाइगर. करेक्ट, ये है टाइगर, शेर हमारा राष्ट्रीय प्राणी है. ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके रहना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डैश इज आवर नेशनल फ्लावर, क्या अभी आपको पता है हमारे राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हाँ. फिर भी आपके लिए दे जाते 5 seconds, ये तो बनता है ना. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ओके, तो बच्चे लोग आपने पहचाना इसका नाम क्या है? ये
लोटस और ये है उसकी इमेज, ये देखो ये है बहुत ही खूबसूरत है ना। ये हमारा नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल। ओके तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन है डैश इज अवर नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पंछी कौन सा है। तो क्या आपको पता है भाभी? फिर भी आपके लिए दे जाते 5 seconds 5 4 3 2 1 and 0। ओके तो बताओ इसका आंसर क्या है भाभी? राष्ट्रीय पक्षी है और ये है खूबसूरत सा मोर। करेक्ट। ओके तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और ये है आपके लिए डैश इज आवर नेशनल ट्री। शायद आपको पता नहीं होगा राइट, क्या है हमारा राष्ट्रीय पेड़। आपको दिए गए थे 5 seconds 5 4 3 2 and 1। यस, क्या पता है भाभी आपको आंसर? हाँ बताओ। बनियान ट्री। राइट, ये है बनियान ट्री और ये है विशाल बनियान ट्री। पता है ना ये बहुत बड़े रहते हैं और ये है हमारा देश का राष्ट्रीय पेड़। ओके नेशनल ट्री। ओके तो बस यही पे खत्म करते आज की ये वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट भी कर, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।